इरादे से तीसरी मंजिल से कूद गई गंभीर रूप से घायल छात्रा को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां छात्रा का उपचार जारी है। एडिशनल डीसीपी मनोज चौधरी ने बताया कि 11 वर्षीय छात्रा रिद्धिमा माहेश्वरी अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद तीसरी मंजिल पर किसी स्थित कक्षा से बाहर आई और करीब 4 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गई। वहां के छात्र कुछ समझ पाते इससे पहले ही छात्रा ने नीचे छलांग लगा दी। छात्रा के परिजनों ने उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। छात्रा के हाथ और पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि छात्रा की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के इरादे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बाल्मी नगर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे मालवीय नगर स्थित एक स्कूल की 6th क्लास की बच्ची वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी। स्कूल प्रशासन द्वारा उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया है। बच्ची फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। उसका उपचार चल रहा है और दाहिनी तरफ हाथ और पांव में उसके काफ़ी चोटें और फ्रैक्चर आई है। कुछ कारण से पता लगा? अभी जब तक बच्ची बयान देने की स्थिति नहीं है तब तक इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मालवीय नगर में स्थित सेंट एंसलम स्कूल, जहां की तीसरी मंजिल से एक 6th क्लास की बच्ची ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, ये वही स्कूल है जहां आप देखेंगे इसकी तीसरी मंजिल, जहां एक क्रॉस का आप निशान देख पाएंगे, वहां से इस 6th क्लास में पढ़ने वाली जो बच्ची है रिद्धिमा माहेश्वरी, इसने वहां से छलांग लगाई और वहां से ये नीचे आकर यहां पर गिरी थी, जिसके कई गंभीर चोटें आई है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। यहां के ये निशान आपको दिखाते हैं कि आप X2 जो निशान देखेंगे वहां पर ये बच्ची गिरी थी और वहां से फिर टकरा करके यहां पर आकर गिरी, जिसके बाद में जो स्कूल प्रशासन था तुरंत उसको निजी अस्पताल है यहां मालवीय नगर के नजदीकी वहां पर लेकर गया, जहां पर डॉक्टरों ने कई मल्टीपल फ्रैक्चर बताया। गंभीर अवस्था में कह सकते हैं बच्ची का उपचार जारी है। उसके बाद में मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, उन्होंने यहां पर कई तरह के साक्ष्य जमा किए। जो जांच की गई शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले उसका रिजल्ट जारी हुआ था, कुछ नंबर उसके कम हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है कि आखिर कितने कम नंबर आए, क्या उसकी वजह से कोई तनाव था या कोई अन्य तनाव रहा होगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्ची के लिए यह सोचना कि सुसाइड जैसी वो गंभीर यहां पर बात कर सकती है, तो ये एक गंभीर सवाल है बच्चों के लिए कि इस तरह से आखिर उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया, ये जांच का विषय है। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, मालवीय नगर SHO वो सभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले में सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि आखिर इतनी छोटी बच्ची जो सिर्फ 11 साल की है रिद्धिमा माहेश्वरी, इसने क्यों सुसाइड का यहां पर प्रयास किया। नजदीक में जो निजी अस्पताल है वहां पर फिलहाल बच्ची का उपचार जारी है और इस पूरे मामले में मालवीय नगर पुलिस की भी जांच जारी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। तो शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, वाकई में बेहद गंभीर मसला, क्या कुछ इस वक्त पूरे मामले में जानकारी है? जो स्कूल प्रशासन होती है उससे भी बयान जारी कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि 5 फीट पर आगे ऊंची दीवार है जो तीसरी मंजिल पर मौजूद है, तो ये छात्र जारी की उसके बाद जिसने सुसाइड का ये प्रयास किया यहाँ पर, और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी स्कूल प्रशासन की बना ली गई है जो इसको मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या इसके कुछ कारण रहे। साथ ही एडिशनल जो डीसीपी मनोज चौधरी, उन्होंने भी वहां पर जाकर मौके पर जांच की और उसके बाद में जो सीसीटीवी। बिल्कुल सही शरद, आपने सही कहा, लेकिन यह है कि जांच पड़ताल में ये बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि आखिर क्या कारण रहा है, लेकिन वाकई में बेहद गंभीर मसला कि 11 साल की बच्ची ने इस तरीके का प्रयास किया। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए।